Welcome back to my channel, and this is Muhammad Ali. I'm here in no man's land. इधर तो कोई भी नहीं है. टॉपिक ये है, ये FZ, Yamaha FZ. टॉपिक ये है, विदाउट बैटरी और विदाउट किक स्टार्टर कैसे स्टार्ट करते हैं. तो वो तो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल है बोले तो सिंपल तरीका है. अभी समझ लो बैटरी लो हो गई है. ये पर्टिकुलर गाड़ी में किकर नहीं रहता, देखो सॉकेट बंद है. ठीक है, अभी समझ लो कि बैटरी लो हो गई है तो कैसे स्टार्ट करते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल तरीका. इग्निशन ऑन और सेकेंड गियर या थर्ड गियर में एंगेज कर लो गाड़ी. ओके, समझ लो थर्ड गियर में है. समझ लो कि किकर भी नहीं है और बैटरी भी लो हो गई है. तो क्या करना है, थर्ड गियर में एंगेज करके आपको सिर्फ व्हील घुमाना है. सी अभी देखते हैं, थर्ड गियर में तो आसान से घूम गई, तो सेकेंड गियर देखते हैं कितना कंप्रेशन लेती है. ठीक है, थोड़ा हार्ड होएगा. ओके, अभी फर्स्ट गियर न्यूट्रल. हाँ, फर्स्ट में बैठा है. ठीक है, फर्स्ट गियर घुमाने से पहले इंजन किल स्विच चेक कर लो और इग्निशन चेक कर लो, नहीं तो घुमाते रहेंगे स्टार्ट नहीं होती. देखा, फर्स्ट गियर में नहीं होती. तो फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर में और आसान हो जाएगा. मैं फिफ्थ गियर से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, ओके, फिफ्थ गियर. वन डाउन, फोर्थ गियर. ओके, फोर्थ गियर में भी आसान स्टार्ट हो जाती है और फिफ्थ गियर में भी और आसान स्टार्ट होती है. थर्ड गियर में भी स्टार्ट होती है, सेकेंड गियर में थोड़ा हार्ड रहता है और फर्स्ट गियर में तो नामुमकिन है, कंप्रेशन रहता है गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होती. तो ये मेथड सभी गाड़ी में नहीं होता. इसका क्यों इतना चेंजेस है बोले तो, इसका जो गियर रेशियोज़ हैं डिफरेंट होते हैं सभी गाड़ी से, और इसका सेल्फ स्टार्टर भी डिफरेंट होता है, उसका जो बेंडेक्स रहता है वो भी डिफरेंट रहता है. तो गियर रेशियो जैसा डिफरेंट है बोले तो घुमाएंगे तो स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, अगर ये वीडियो यूज़फुल है सभी लोगों के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. और क्या, नए लोग हैं बोले तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करो. हवा मार रही है फ़ोन पे, कभी गिरेगा पता नहीं है. तो हम Thank you for watching, and as always, I'll see you in next video. Thank you. One more try.